हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रथम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो आज का वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी विंडो में किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। किसी भी विंडो से मेरा मतलब था, अगर आपने अब विंडो 7 जितनी भी विंडोज यूज करी होंगी, उसमें जो हाइड का ऑप्शन होता है वो डायरेक्टली टूल बार में आ जाता है। बट बिलो विंडोज 8 आपको प्रॉब्लम होती है विंडो, लाइक विंडो 7 और एक्सपी में कैसे फाइंड करें। लेकिन विंडोज एक्सपी, विंडो 7 और विंडोज विस्ता में जो हाइड करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। बट विंडोज 8.1 और 10 में अलग है। तो मैं आपको विंडोज 7 और 8 में करके दिखाऊंगा, विंडोज 7 और 10 में करके दिखाऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे। तो पहले विंडोज 7 का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसे हमें हाइड करना है। ओके, ये हमने फोल्डर बना लिया, ये फोल्डर है, हमें इसको हाइड करना है। ओके, सबसे पहले आपको इसको हाइड करने के लिए कुछ नहीं, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज, शायद आप इसे हाइड करना सीखे होंगे। लेकिन हाइड करने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि हम इसे लाए कैसे। हाइड हो गया, अब आप देखिए कहीं भी नहीं आ रहा। अब कैसे लाए, कंट्रोल पैनल में जाइए आप अपने, अनइंस्टॉल आ प्रोग्राम, सॉरी बैक वन स्टेप बैक, आपका ये कुछ इंटरफेस खोल के आएगा। हमें आप में से कुछ नहीं करना है, कैटेगरी पर लार्ज आइकन्स पर क्लिक करना है, देन फोल्डर ऑप्शंस। फोल्डर ऑप्शंस में जाने के बाद आपको व्यू में जाना है, देखिए ये रहा। फिर इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आप डायरेक्टली ओके भी कर सकते हैं, इसको क्लोज कर दीजिए। ये आ गया आपका फोल्डर। अब आपको इसको अनहाइड करना है, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में जाके हिडन से आइकन हटाइए और आप बिना हाइड करे भी इसके सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको कुछ यूज करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ड्राइवर, ये मेरा फोल्डर है ड्राइवर, इसमें मेरा बहुत कुछ सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इस फोल्डर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो रहा, थोड़े से कॉपी में टाइम लग रहा। अब आप इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, प्रॉपर्टीज हिडन, ओके। ये हाइड हो चुका है, देखिए। अब इसको ओपन कर दिया, देखिए सारे हाइड हो चुके हैं। अब जैसे कि मुझे यूज करना है कि हाइड के बाद ये चलता है कि नहीं। मास्टर ड्राइवर पर मैं जैसे कि कोई भी एक ड्राइवर का आपको सेटअप खोल के दिखा देता हूँ, जैसे कि इसका सेटअप मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए पूरी तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ खुल गया। ओके, मुझे इंस्टॉल नहीं करना, कैंसिल कर देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लेकिन मैं अभी आपसे बाय क्यों इतना ही कहूंगा, क्योंकि मुझे अभी आपको विंडोज 10 में भी करके दिखाऊं। तो चलिए विंडोज 10 में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बैक आ गए अपने विंडोज 10 पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर है। अब हमें इसे करना है हाइड। ये तो सेम प्रोसेस है जो है न्यू फोल्डर, मतलब फोल्डर पर राइट क्लिक कर लीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, हाइड कर दीजिए। और फिर इसको आप निकालेंगे कैसे, नॉर्मली आप जैसे मैंने कंट्रोल पैनल में जाके विंडोज 7 में बताया था, सेम प्रोसेस है। ये तो हो गया कम मेथड, लेकिन हम विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कुछ ईजी मेथड भी होना ज़रूरी है। जैसे कि लोकल डिस्क डी है, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। ये बन गया न्यू फोल्डर, ठीक है। न्यू फोल्डर को अब मुझे इसे हाइड करूंगा बिना इसके प्रॉपर्टीज में जाए। व्यू पे जाइए, यहाँ पे जाइए, हाइड आइटम सिलेक्टेड, हाइड हो गया।
अब हम इसे लाएंगे कैसे व्यू पे, दोबारा जाइए हिडन आइटम्स, देखिए अब जितने भी आइटम हाइट थे वो सारे आ गए, जैसे कि हमारा न्यू फोल्डर आ गया, आपको इसे हाइट नहीं करना तो हाइट सिलेक्टेड आइटम से क्लिक हटा दीजिए। अब देखिए वो भी आ गया होगा, ये रहा, ठीक है। आप यहाँ से भी प्रॉपर्टीज में जाके हाइट आइटम डाल दीजिए। वैसे विंडोज़ 10 में आपको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, लेकिन जो मेन ज़रूरत थी वो थी विंडोज़ 7 में बताने की, जिसे आप लोग ढूंढ नहीं पाते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना वो भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं उस वीडियो में क्या प्रॉब्लम। तो अगली वीडियो के लिए बाय बाय, अब अगली वीडियो में मिलते हैं।